तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रेड ऐप को CREDIT ऐप को कैसे यूज़ करना है, उससे कैसे पैसे कमाने हैं, कितना आसान है कितना मुश्किल है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो का कोई भी पॉइंट को स्किप मत करना। चलिए लाइव फ़ोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्रेड ऐप को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों क्रेड ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मारना है क्रेड ऐप। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको क्रेड ऐप मारना है और यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ से ओपन। जैसे कि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसलिए आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना लिंक दे दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है और कैसे पैसे कमाने हैं। जैसे कि मेरे ऑलरेडी है तो मैं इसको अभी ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मेरा ये क्रेड ऐप का ओपन हो गया। ऊपर आ रहा है स्टोरीज, नोटिफिकेशंस, कंट्रोल, और नीचे आ रहा है देखो होम, कार्ड्स, मनी, क्लब, ठीक है। होम में आपको ये वाला मेन्यू दिखेगा। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ कार्ड्स में, तो कार्ड्स में जाने के बाद जितने भी मेरे कार्ड है वो यहाँ पे सारे शो होंगे। जैसे कि देखो एक तो ये एक्टिवेट क्रेड प्रोटेक्ट, ठीक है। अगर आपको मतलब प्रोटेक्शन को इनेबल करना है थोड़ा ज़्यादा लेवल पे तो इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऐड का ऐड कार्ड्स, ऐड कार्ड में अपने जितने भी आपके पास कार्ड है उनको ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा देखो यहाँ पे ये SBI का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे देखो ये HDFC दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद बस ये दो कार्ड है। अगर आपको ऐड करना है तो अब यहाँ पे ऐड कार्ड में जाओ और यहाँ पे आप कर सकते हो ऐड, ठीक है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो वो भी आपको बताता हूँ। हालांकि ज़्यादा अमीर तो हो नहीं सकते पर फिर भी सिंपल तरीका, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा है माई कार्ड्स अनबिल्ड। अनबिल्ड में क्या है कि अभी लॉन्चिंग, ये अभी ये लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी अनबिल्ड ट्रांजेक्शन होंगी जो कि आपकी क्रेडिट कार्ड्स में होती हैं, वो भी यहाँ पे होंगी। और मैक्स में हम देखते हैं मैक्स, और अभी इन्होंने आई थिंक इनेबल है। यहाँ पे देखो पे योर रेंट गेट रिवॉर्डेड, यहाँ पे आपको रेंट पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। बस यहाँ पे आपको वही ऑनर की डिटेल पूछेगा, मोबाइल नंबर, देखो जो भी रेंट वगैरह है। गेट फ्लैट 500 कैशबैक ऑन पेइंग विद एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इनके टाई है पर, तो यहाँ पे आप रेंट पे कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं जाऊँ यहाँ पे बैक करके, उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट में जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा ये रिवार्ड पॉइंट्स हैं, ये ऑफर्स हैं कुछ अमेजोन पे चल रहे हैं, बुक माई शो पे, ठीक है। कुछ खास नहीं है ये। अब मैं यहाँ पे यहाँ जाता हूँ यहाँ पे मनी पे जैसे मैं गया यहाँ पे, तो मनी पे देखोगे तो आप यहाँ पे आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो, कितने बैंक आपके यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे ये बैंक है, तो अगर मुझे चेक करना तो आपको पहले यहाँ पे सेट एम पिन करना पड़ेगा, वो डेबिट कार्ड से होगा। तो इसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ये चेक होगा, ठीक है। ऐसे करके अब यहाँ पे ऐड अकाउंट पे जाके आप ऐड अकाउंट कर सकते हो, जो भी आपका बैंक जैसा भी होगा, ठीक है। चलो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लब पे। क्लब में कुछ खास नहीं है। क्लब में देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि क्रेड के कुछ कॉइन्स आई थिंक मिलते हैं ये। तो यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं 23,942 कॉइन। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपके, अच्छा चलो पहले ये दिखाता हूँ। देखो ये वाउचर हैं कुछ, ये जो आपको क्रेड से मिलेंगे, जियो के हो गए, IXO के हो गए, ठीक है, ये सब हैं। और देखो यहाँ पे अगर आपको 5,000 का बिल, अगर आप 5,000 का बिल पे करोगे तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है। वो मैं पैसे आपको कैशबैक मिलता है यानी, तो मैं आपको वो कैशबैक दिखाता हूँ जो कि मैंने जीता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कि मैंने कैशबैक जीते हैं। चलो ऊपर चलते थोड़ा सा हम, ये देखो अगर मैं यहाँ पे कैशबैक पे जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कैशबैक पे गया तो सॉरी ये रहा, देखो मैं अपने जो क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट है वो इसी ऐप से करता हूँ। 12 रुपये जीते, 19 रुपये जीते, 9 रुपये जीते, 9 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये, 5, 29 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये। तो मैं अपने सारे बिल की पेमेंट ऐसे ही करता हूँ। तो चलो मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो मिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे अगर आप मिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आई थिंक ऑल टाइप्स में जाओगे तो बस यही ऑल टाइप्स में यही आ गए कूपन आपके। और मिस्ट्री में जाओगे तो मिस्ट्री में बस यही ऑफ मिल रहा है, जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं उसका आप ऑफ ले सकते हो और कुछ नहीं है। कैश बैन की बात करूँ तो यहाँ पे 250 रुपये का मैं कैश जीत चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं फिर अपना, अगर आपको पैसे कमाने हैं मतलब थोड़ा बहुत कैशबैक चाहिए तो
आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, चलो पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे कार्ड्स पे। तो अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स पे जाने के बाद पहले होम पे जाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ कार्ड्स में। जैसे मान लो कि अगर मैं इसकी बिल पेमेंट करता हूँ, तो मैं आपको इसकी बिल पेमेंट करके दिखाता हूँ SBI के कार्ड की। सॉरी, अभी इन्होंने बिल दिखाया नहीं है। तो ये सब पहले आप देख लो, ये पॉइंट्स हैं। अगर मैं जाता हूँ माई कार्ड्स पे, ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर माई कार्ड्स में जाना है। माई कार्ड्स में जाने के बाद जैसे यहाँ पे अगर मुझे बिल पे करनी है, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे अपना बिल पे करता हूँ, ठीक है, तो बिल पे अगर मान लो मैं 50K का करता हूँ, तो मुझे कितने रुपये मिलते हैं, तो आप इसको देख लेना कि मेरा 50K का बिल आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करता हूँ। अब मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ अपना इसकी UPI से, ठीक है, देखो UPI से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने UPI भर दिया। अब मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ। तो अब देखो जैसे कि मेरे यहाँ पे बिल पे हो रहा है। अब देखते हैं मुझे कितना कैशबैक मिलता है, क्योंकि मैं आपको पता है कि 50,000 रुपीज़ का बिल पे कर रहा हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 50,000 का बिल पे कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो मुझे ऊपर मैसेज भी आ गया कि इंस्टेंटली बिल पेमेंट हो गई 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये देखो, ठीक है, हो गई। अब मैं क्लेम कैशबैक पे जाता हूँ, देखते हैं मुझे कितने रुपए मिलते हैं। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि 40-50 रुपए तो मिलने चाहिए। तो चलो पेइंग बिल इज़ ए गुड डीड। चलो इसको मैं एक बार रेटिंग देके साइड पे करता हूँ, सबमिट करता हूँ। ओहो चलो, अब हम यहाँ पे देखें कि मुझे यहाँ पे अर्न अप टू ऊपर लिखा है, अर्न अप टू 1,00,000। अब मैं इस पर स्वाइप करता हूँ, देखिए दोस्तों मुझे 4,400 रुपीज़ मिले आपके सामने। देखिए मुझे 4,400 रुपीज़ मिले। अब यहाँ पे ऊपर मैसेज भी आ गया कि 44। तो ऐसे ही आप भी थोड़ा बहुत कैशबैक से पैसे कमा सकते हो। अगर व्यू योर विनिंग्स में जाएंगे तो देखो यहाँ पे 4,400 रुपीज़ मुझे मिले हैं। उसके बाद अगर आपको दोबारा फिर बिल पे करना है, जैसे कि मेरा तो काफ़ी बिल आया था इस बार, तो फिर आपको करना है तो फिर आप वैसे ही कर सकते हो। चलो मैं और देखो, अब यहाँ पे क्या है, अगला आपको अर्न अप टू 10,000। अगर आपको 10,000 रुपये तक कमाने हैं, जैसे कि मुझे भी मेरा खुल गया ये, ठीक है, क्योंकि मैंने 50 का बिल पे किया था, तो मेरा ये ऑलरेडी खुल चुका। तो चलो मैं इसको भी स्वाइप करके देखता हूँ। ये लो, इस पे मुझे 44 और 24, मतलब लगाया चलो मुझे 70-80 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, व्यू योर विनिंग्स। तो यहाँ पे देखते हो 44 और 24, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ऊपर मैसेज भी आ गया। अब जाके अब जाते हैं ऑल टाइप्स में, ठीक है, और अब चलो अब यहाँ पे देखते हैं अर्न फाउ, ये भी मुझे मेरा खुला हुआ है, क्योंकि मैंने देखो दोस्तों मैंने 50,000 की पेमेंट की थी, जिसमें से मुझे 15,000 में से फ़ोन आ रहा है किसी का दोस्तों। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 15,000 पे मुझे 5,000 मुझे कितना कैशबैक मिलता है। देखो आपके सामने खोल रहा हूँ, ये लो 8 रुपये यहाँ से, मतलब लगा चलो मैंने 50,000 के बिल पे किए तो मुझे 80 रुपये एक अप्रोक्स बच गए। अब व्यूअर विनिंग्स पे जाता हूँ, ये हो 44, 24 और 8, ठीक है। बस ऐसे ही आपको कैशबैक मिलता रहेगा, तो आप कोशिश करो कि यहाँ से अपने बिल की पेमेंट करो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अब ये लग गया लॉक। अब यहाँ पे 10,000 रुपये तक कमाने के लिए आपको क्या है कि मिनिमम 20,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी होगा। और यहाँ पे 1,00,000 रुपये तक कमाने के लिए आपको मिनिमम करनी पड़ेगी 50,000 की पेमेंट, ठीक है। तो ऐसे जितना पे करते रहोगे वैसे कमाते रहोगे, बस सिंपल है, ठीक है, इतना ही है और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी शेयर करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।